वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक से लगा के 1000 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब कि वर्ग जो है वो आप मात्र 5 सेकंड के अंदर काफ़ी इजी तरीके से कैसे निकाल पाएंगे, तो उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो हम दो पार्ट में आज इस चीज़ को सीखेंगे कि पहले हम सीखेंगे कि दो अंकों वाले मतलब कि 0 1 से लगा के 99 तक जितने भी संख्याएं होती है उनका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, और उसके बाद में तीन अंकों वाले जैसे कि 100 से लगा के 999 तक इनका स्क्वायर कैसे निकालें उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दो अंकों वाले का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं एक कि कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे कि हमने ले लिया है एक 43 है ना, 43 का अगर आपको स्क्वायर करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इस 9 को खाली 9 नहीं लिखना है, 0 9 करना है, क्योंकि आपको दो अंक पूरे करने होंगे। तो 4 का तो 16 हो जाएगा, लेकिन 3 का यहाँ पे 0 9 करके लिखना है। फिर क्या करना है, इन तीनों को जैसे कि 4, 3 और 2 इन तीनों को आपस में गुणा करके लिखना है। तो 4 3 12 बार दुनी 24, उस 24 को आपको क्या करना है कि यहाँ की यूनिट प्लेस मतलब कि इकाई का अंक को छोड़ के बाकी का इधर लिख देना है। मतलब कि क्या हो जाएगा, 24 को आप इस तरह से लिख देंगे ताकि इकाई का अंक जो है वो छूट जाए। फिर कुछ नहीं करना है, बस अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए 9 का 9, 4 और 0 4, 6 और 2 8 1 का 1, मतलब 1849 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 43 का स्क्वायर हो जाएगा। काफ़ी इजी तरीका है, इसी का एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं 81 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो 8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 64 हो जाएगा। 1 का कितना हो जाएगा, 01 हो जाएगा। फिर 8 एकम 8, 8 दुनी 16, 16 को ऐसे करके लिख दीजिए। फिर इसको जोड़ दीजिए, 1 का 1, 6 और 0 6, 4 और 1 5, 6 का 6, मतलब कि 6561 किसके स्क्वायर हो जाएगा, तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए कितना हो जाएगा कि अगर आपको 62 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 36। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 4 6 दुनी 12, 12 दुनी 24। 24 को आप कैसे करके लिख दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए। फिर इसको जोड़ना है बस, 4 का 4, 4 और 0 4, 6 और 2 8, 3 का 3, 3844 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 62 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है, 100% सब जगह काम में आता है। एक से लगा के 99 तक किसी का भी स्क्वायर अगर आपको निकालना हो चुटकियों में इस मेथड से आप निकाल पाएंगे। अब समझ लेते हैं कि तीन अंकों वाले का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक संख्या का। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 312 करके, 312 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जो संख्या का स्क्वायर निकालना है वो संख्या किस राउंड फिगर के आसपास आ रही है। अभी राउंड फिगर का मतलब जीरो वाली है ना, मतलब कि 100 200 300 400 ऐसे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 312 जो है वो 300 के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है ना। तो 312 300 के नज़दीक आ रहा है, तो इस 312 को 300 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से माइनस का 12 करना होगा, तो ये 300 हो जाएंगे। जितने माइनस कर रहे हैं उतने के उतने वापस जोड़ने भी पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो पोर्शन बन जाएंगे, इस वाले जो राइट साइड जो पोर्शन होगा इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जिस संख्या को आप जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, यहाँ पे 12 माइनस किया है और 12 ही वापस जोड़ना भी है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जिस संख्या को आप जोड़ रहे हैं माइनस कर रहे हैं उसी का स्क्वायर निकाल के आपको इधर राइट पोर्शन में लिख देना है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इस 144 को आपने राइट साइड में लिख दिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 312 माइनस 12 तो 300 इंटू लगाना है, 312 प्लस 12 तो 324। अब इन दो जीरो को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटेवा 100 करना पड़ेगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे जितनों जीरो होंगे उतने ही अंक जो है वो आंसर में आपको यहाँ से उतारने पड़ेंगे। अब देखिए उससे पहले आपको 3 को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9 तो ये हो जाएंगे 972, और इधर कितने हो गए हैं 144। तो अब दो दो अंक ही उतारने हैं क्योंकि यहाँ पे दो जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ से उतारेंगे आप कितने 44, एक जो है वो इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 2 के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 7 का 7 है ये, 9 का 9 है ये हो जाएंगे 97344 किसका स्क्वायर कि 312 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं 803 का अगर आपको स्क्वायर करना है। बिल्कुल समझ गए होंगे 800 के नज़दीक आ रहा है, क्या करने पे, माइनस तीन कर रहे हैं तो वापस प्लस 3 भी करना है, दो सेक्शन बनाने हैं, 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, या क्या लिख दीजिए 9। फिर
803 माइनस 3 800 इनटू लगाना है, 803 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 806, दो जीरो है तो बटेवा 100 कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, फिर 8 को इस संख्या के साथ में क्या कर देना है, गुणा कर देना है, कितने आ जाएंगे आपके 6448, इधर कितना है 9 है जो है ये। अब यहाँ पे दो जीरो थे तो आपको यहाँ से दो दो अंक उतारने हैं, लेकिन 9 तो अकेला ही है तो मान लेते हैं इसके आगे क्या है, जीरो भी है, तो यहाँ से क्या उतारेंगे आप 09 उतारेंगे, फिर इसको यू के वी लिख दीजिए 6448, यही आपके आंसर हो जाएंगे 803 का स्क्वायर। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 कि 788 का आपको क्या करना है, इस बार स्क्वायर करना है, समझ गए होंगे आप किसके नज़दीक आ रहा है, तो 800 के नज़दीक आ रहा है, कब आ जाएगा जब आप इसमें क्या कर देंगे प्लस 12 कर देंगे, प्लस 12 कर रहे हैं तो माइनस 12 भी करने हैं, ठीक है, दो सेक्शन बन जाएंगे, 12 का स्क्वायर 144 को राइट साइड में लिख देना है और लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे 788 प्लस 12 तो 800, यहाँ लिखना है 800 इंटू 788 माइनस 12 तो कितने हो जाएंगे 776, दो जीरो को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटेवा 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 8 इंटू कर देंगे 776 कितने आ जाएंगे 6208, इधर कितने हैं 144 चल रहे हैं जो चल ही रहे हैं, या फिर दो जीरो थे तो आपको क्या करना होगा दो दो अंकों को एक साथ में उतारना पड़ेगा, तो 144 का क्या उतारेंगे आप 44 उतारेंगे और एक जो है वो इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 8 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 का 0, 2 का 2, 6 का 6, तो इसी मेथड से आप एक से लगा के 1000 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो आप निकाल पाएंगे, 100% सटीक आंसर आएंगे और मात्र 5 सेकंड के अंदर आप उसका स्क्वायर निकालने में सक्षम हो जाएंगे।